हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, क्या चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ज़बरदस्त हैं। लास्ट क्लास में आओगे जब तुम हो साजना के अंदर, मैंने नोट सेक्शन के अंदर मैंने तीन स्ट्रिंग शो की हुई हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चार मैंने तीन स्ट्रिंग शो की हुई हैं। उसकी रीज़न ये थी कि चौथी स्ट्रिंग जो जी स्ट्रिंग थी वो यूज़ ही नहीं थी हो रही। सो वो खामहा की कन्फ्यूजन है कि आप जो जी स्ट्रिंग वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, आप वहाँ पर देख भी रहे हो कि नहीं आएगा, कोई नोट नहीं आएगा। सो इस वजह से, क्योंकि वो यूज़ नहीं थी हो रही, सो मैंने वो डाली नहीं है। सो सेम इज़ द केस ओवर हियर, तीन स्ट्रिंग्स पे सारा गाना जो है वो बना हुआ है। और आज का गाना जो है वो बेसिक उससे मैं रखूँगा इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल, क्योंकि उसमें गमक्स हैं, ठीक है, वो आपने करने ही करने हैं। तो खैर, बड़ी बातें होगी, लेसन शुरू करते हैं। ओके, सो लेसन शुरू करने से पहले मेक श्योर कि वॉल नाव का ट्यून हो, ठीक है। इसका स्टार्ट पहले आप सुन लें। ठीक है, ऐसे पार्ट्स बाय पार्ट्स जैसा मैं लास्ट टाइम आपको सिखाया था उसी तरह से मैं सिखाऊंगा। दोबारा से मेरे साथ प्रैक्टिस करें, स्लाइड आएगी, ठीक है। ये ऊपर से स्लाइड आ रही है, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन ट्राई करें। दोबारा से मेरे साथ, फिर यहां से वही जो लास्ट टाइम वाली टेक्निक थी जो मैं ये कह रहा हूं, यानी ये टेक्निक इस तरह से पुल ऑफ टेक्निक है बेसिक, कि आपने इसे प्ले करते साथ ही आपने दूसरे नोट पे आ जाना है। फिर सो बैक टू नाउ टू दास, ठीक है। अभी किस तरह से आएगा, अगेन स्लाइड, आपने जो है फिफ्थ से सेवन्थ तक स्लाइड करनी है, सेवन्थ फ्रेट तक। ठीक है, तर तर र र र तर र र र र, फिर अब यहाँ पे देखिए, मैं सेवन फ्रेट पे भी मेरी फिंगर है और यहाँ पे थर्ड फिंगर पे ए स्ट्रिंग पे। सो दोबारा से, फिर से, सारे संसार का प्यार, ठीक है। अब इसके अगेन स्लाइड्स बहुत ज्यादा हैं, जीरो से आए थ्री पे, फिर फिफ्थ से मैं सेवन्थ पे अगेन, जो हरकत मैं यहाँ पे कर रहा था डी स्ट्रिंग पे वही मैं ए स्ट्रिंग पे कर रहा हूँ। अब नोट्स भी आ रहे हैं, उन्हें भी आप देख लें, स्लोली मैं प्ले करता हूँ। फिर बैक टू मिले, अब जो इसका अंतर है,
जिस तरह मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो सेवन्थ स्ट्रिंग है, सेवन्थ फ्रेट जो है, सॉरी जो होता है, वो बेसिक अगली स्ट्रिंग ओपन होती है, ठीक है। जिस तरह कि अगर फिर उसको इंस्टेड ये करने के, मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो लेकिन अभी गाने के कॉन्टेक्स्ट में जो है, दिस वन इज़ बेटर, ठीक है। फिर दोबारा से देखें, फिर ये बहुत लंबी स्लाइड आ रही है। और एक और चीज़ है कि हमेशा जो है वो, जब भी आप वॉयलिन प्रैक्टिस कर रहे होते हो, सॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके जहन में सॉन्ग चलना चाहिए। आप जब तक गाने के कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे, तब तक आपसे वो प्रॉपरली प्ले नहीं होगा। यानी कि जैसा लास्ट टाइम मैं डेमोन्स्ट्रेट किया था कि यार आप जो है ना वो फिर आउट ऑफ टेम्पो, लाइक बिल्कुल बेबीश प्ले करोगे, ठीक है। जब ये गाना गाते हैं, ठीक है, जब आप इसे गुनगुनाओगे तो ये किस तरह से आएगा, वॉल में सेम इसी तरह से आपने साउंड निकालनी है, बैक टू सेम थिंग, किस तरह से, ठीक, फिर सारे संसार के प्यार, ये सारा का सारा गाना इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर जो है कह लो कि जो नेक्स्ट अंतर है वो भी सेम मेलोडी है। पुराने गाने मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखो तो उनकी मेलोडी लाइंस जो हैं वो यानी लेंथी होती थी, ठीक है, और एक जो शुरू हुई है उसी मेलोडी लाइन पे दूसरे बोल होते थे, ठीक है। सो सेम केस ओवर हियर, और अब आपने इसकी पार्ट्स बाय पार्ट्स प्रैक्टिस करनी है। सो जी, ये रहा आपका लेसन, और अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और स्लोली प्रैक्टिस करनी है। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि ये गाना जो है, इवन जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो इसको, यानी जब मैं तेज़ी से प्ले करता था मुझसे खुद नहीं था प्ले हो रहा, ठीक है। सो आई वेंट इट स्लो, ऐसा 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 स्पीड पकड़ी और फिर मुझे आया, ठीक है। सो प्रैक्टिस इट स्लो एंड प्रैक्टिस स्टेडीली। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। गुड बाय एवरीवन।